इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आई है फिल्म अकीरा, जिसमें आपको मुख्य किरदार निभाते हुए दिखेंगी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, उनके साथ डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर अनुराग कश्यप, और इसे डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगदॉस ने। अकीरा, आज तेरा भाई आ रहा है मुंबई से, वो मुझे मुंबई बुला रहा है, मतलब तुमको और मुझे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस छोटे शहर में तुम कहाँ तक पढ़ोगी? मुंबई जाओगी तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता कहती हैं कि अकीरा में सोनाक्षी सिन्हा एसिड फेंकने वाले लोगों के सामने खड़ी जाती है। आपका मन करता है तालियां बजाऊं, तालियां ये, पर फिर आपका मन मर जाता है जब आप देखते हैं कि अकीरा को डिसिप्लिन में लाने के लिए उसे रिमांड होम में रखा जाता है और फिर मेंटल असाइलम में। मतलब सोनाक्षी को लिमिट कर दिया है अकीरा ने, जिसकी वजह से थोड़ी सी नैया डूब जाती है, और इसीलिए शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिए हैं 1.5 स्टार। शुक्र है धोनी बनाया 1.5 स्टार्स। NDTV के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को दिए हैं 2.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि अनुराग कश्यप और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है, और सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा रोल करके अपने करियर को कोई हार्म नहीं पहुंचाया, बल्कि बता दिया कि ओए मैं भी लात भूसे मार सकती हूँ, हाँ नहीं तो। फिल्म में अपने मोमेंट्स हैं, पर अकीरा ब्लॉकबस्टर मटीरियल नहीं है। 2.5 स्टार्स। दैनिक जागरण की स्मिता श्रीवास्तव ने इस फिल्म को दिए हैं 3.5 स्टार्स, और वो लिखती हैं अकीरा में एक्शन की भरमार है, इन्हें रियल फाइट की तरह रखा गया है, और साथ ही न्याय प्रणाली की सुस्त चाल की ओर ध्यान खींचा गया है। सोनाक्षी सिन्हा की अदाकारी इस फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाती है, और सोनाक्षी का एक्शन अवतार तो भाई साहब देखने को मिलता है, और वो कमाल है। 3.5 स्टार्स। अकीरा कहानी है नाइंसाफी के सामने खड़ी हुई एक औरत की, पर फिल्म में काफ़ी लूज एंड्स हैं, मतलब बिना बताए हुए किरदार आ जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उसी तरह सीन्स हैं, मतलब कुछ इस्टेब्लिश किए बिना ही वो भी चेंज हो जाते हैं, और ढीली स्टार कास्ट और हल्की लिखावट रही सही कसर पूरी कर देती है। इधर आता भाई तू। ऐसा लिखा है रोहित वत्स ने हिंदुस्तान टाइम्स के, जिन्होंने इस फिल्म को दिए हैं 1.5 स्टार्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना यर ने इस फिल्म को दिए हैं 2.5 स्टार्स, और वो कहती हैं कि कॉप्स और अकीरा की जो चेस सीक्वेंस है ना, वो थोड़ी सी हवा बनाती है फिल्म में, पर वो हवा जल्दी भाप बन जाती है और गायब हो जाती है। सेकंड हाफ में तो भाई साहब ऐसा लगता है कि आप ही लात घूसे मार के सब चीज़ें सही कर दो, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें। और अनुराग का नेगेटिव किरदार और सोनाक्षी की जानदार परफॉर्मेंस फिल्म को थोड़ा सा उठाती है, बाकी तो भाई साहब फिल्म डल है। 2.5 स्टार्स। तो 5 रिव्यूज के हिसाब से फिल्म अकीरा को मिलते हैं 2.3 स्टार्स। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, शत्रुघ्न के मुंह से खामोश अच्छा लगता है, शत्रुघ्न के मुंह से खामोश अच्छा लगता है, एंड अकॉर्डिंग टू सोनाक्षी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अगर आपको भी मेरी घटिया शायरी पसंद है तो प्लीज़ YouTube पर आइए और BBC हिंदी का चैनल सब्सक्राइब करिए, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी घटिया शायरी लिख दीजिए। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा। तो 5 रिव्यूज के हिसाब से फिल्म सुल्तान को मिलते हैं 3.2 स्टार। फ्लाइंग जट, जिसे डायरेक्ट किया है रेमो डिसूजा ने, और इसमें अबे बस्कर, और इसमें है टाइगर श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस,